और ऐड अपियर हो जाएगा, ऐड जो भी होगा। अब देखें यहाँ पर मैंने ऐड, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। जे एन बी मेंटोर में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आज आपको बताऊँगा कि आपने blogger.com से घर बैठे कैसे पैसे कमाने हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है। तो वीडियो को लाइक कर दें, जो नए लोग आए हैं वो उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि blogger.com एक फ्री का प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल का है। आप blogger.com लिखेंगे, उस पर अपना जी मेल से अकाउंट बना लें और अकाउंट बनाने के बाद आपने, आपको मैं एक वायरल स्क्रिप्ट दूंगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है और मेरी वेबसाइट है rabibakhsh.com के नाम से, आप उसको भी विजिट करें, वहाँ पे पूरा तरीक़ेकार लिखा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने ये कैसे करना है, ठीक है। एक वायरल स्क्रिप्ट होगी, वो HTML की होगी, उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करनी है और उसमें मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आपने अपने ऐड लगाने हैं। अब आपके पास मसला ये है कि ऐड नहीं है, एडसेंस का अकाउंट नहीं, तो क्या करना है? आपको एक फ्री का प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ से आपने, वहाँ पे अकाउंट बनाना है, वहाँ से एड्स कॉपी करने और कॉपी करके अपनी वायरल स्क्रिप्ट में लगाने और लगाने के बाद उसको रन कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वो जैसे दोस्त उसको खोलेंगे वहाँ पे ऐड अपीयर होगा और एड्स के जितने भी पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपने डिजिटल मार्केटिंग में इसके बात करनी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तरीक़ेकार बताता हूँ कि आपने वो सारा सिस्टम कैसे करना है। जी हाँ, वेलकम बैक टू माई कंप्यूटर स्क्रीन, और आपको मैं दिखा देता हूँ एक मैंने तरीका जो वायरल स्क्रिप्ट का बनाया था उसका डेमो दे देता हूँ। ये देखिए कोरोना वायरस हेल्प, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ व्यू ब्लॉग, व्यू ब्लॉग करने के बाद यहाँ पर देखना है आप लोग, यहाँ पर एड्स वगैरह अपीयर हो रहे होंगे। ये देखें, ये ऐड आ गया, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में भी एड्स आ रहे हैं, अब जो कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा और एड अपीयर हो जाएगा, एड जो भी होगा। अब देखें यहाँ पर मैंने एड्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड जो है ना, इसका रेवेन्यू मुझे मिल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं चलता हूँ, आपने नया ब्लॉग कैसे बनाना है। अब यहाँ पे आपने करना है न्यू ब्लॉग, न्यू ब्लॉग में अपना नाम देना, मुझे कोरोना वायरस के हवाले से बना रहा हूँ तो कोरोना 12 कर दो कोई भी, ठीक है। यहाँ से आप अपने कोरोना का नाम देना, कोरोना 12, ठीक है, ये अवेलेबल। और इसको आपने नंबर वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, हेल्पलाइन PK, ठीक है। ये इसको आपने सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपने यहाँ पर थीम्स में आना है और थीम्स में आने के बाद यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन जाना है, सिंपल थीम करनी है और इसको करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद, अप्लाई हो चुकी है, अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और मोबाइल सेटिंग में आना है, ठीक है। मोबाइल सेटिंग में आने के बाद इसको कर देना है अपने डेस्कटॉप और इसके कर देना है अपने सेव, ठीक है। और यहाँ पे आपने दूसरा सेटिंग करनी है स्विच टू जो है फर्स्ट जनरेशन से क्लासिक में विदाउट बैकअप कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है चेंज नेम बार और इसको यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन होगा, ठीक है, आपने इसको कर देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद आपने कर देना सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आप कोई भी व्हाट्सएप की स्क्रिप्ट होगी यहाँ पे आके इसको एडिट HTML करेंगे, ठीक है। आपने उसको पेस्ट करना है, कंट्रोल ए करके इसको सारी को रिमूव करें, डिलीट कर दिया मैंने, इरेज हो गया। अब मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली स्क्रिप्ट को आपने जहन में रखना है, पहले उससे पहले आपने इस ब्लॉगर का एड्रेस नोट कर लेना है, ठीक है, कि ब्लॉगर का एड्रेस क्या है। वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से आपने करना है व्यू ब्लॉग, ठीक है। यहाँ से अब आपने इसको यहाँ पे कॉपी करके अपने पास रख लेना है या वैसे रख दें। फिर इसके बाद आपने एडिट HTML कर देना है, फिर कंट्रोल ए करना है और यहाँ पे करना है इसको बैक स्पेस, और यहाँ पे जो अपने पास आपका कोड है उसको आपने कंट्रोल ए करना है, कोई चेंजेस नहीं करनी, इसको कॉपी करें। जो भी चेंजेस हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने कर देना है कंट्रोल वी, सिंपल। अब यहाँ पर आपकी जो ब्लॉग एड्रेस है ये, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद सबसे पहले जो आपने चेंजिंग करनी है वो आपने करनी है इधर, ठीक है, इधर। और यहाँ से आपने इसको कंट्रोल ए करके थोड़ा सा सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको कर देना है कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एनालिटिक्स कोड होगा,
ठीक है, वो आपके गूगल अकाउंट से मिलेगा। गूगल एनालिटिक्स में साइन अप करें, ठीक है, वो कोड वगैरह के लिए आप सर्च कर लें, अगर लगाना चाहें, नहीं लगाना चाहें तो यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, ठीक है। मैं आपको गूगल एनालिटिक्स कोड भी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ होम पे, ठीक है। ये एनालिटिक्स का आप अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। तो एनालिटिक्स जब तक अकाउंट लोड होता है तो मैं आपको चेंजिंग करके दिखाता हूँ कि आपने फर्स्ट चेंज तो ये कर ली, सेकंड चेंज आपने कहाँ करनी है। सेकंड चेंज आपके द ड्रॉप डाउन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा शेयर वाली जगह पे, अब देखें यहाँ पे आपने चेंज करनी है, क्लिक हेयर वाली जगह पे, कंट्रोल वी, ठीक है। और उसके बाद आपने, उसके बाद थर्ड चेंज देख लें, अगर नज़र यहाँ पे कहीं भी ऐसा यूआरएल हो कोई और, ठीक है, तो उसमें अपना यूआरएल डाल दें। अच्छा, जहाँ पे भी हिंदी में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, अगर हिंदी में आप चला रहे हो, आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आप रहने दें, नहीं तो अगर उर्दू वगैरह हो तो मैं जैसे उर्दू समझता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके अपने हिसाब से शेयर नाव वाला बटन लगा देता हूँ, शेयर नाव, यहाँ पे करता हूँ शेयर नाव, ठीक है, थोड़ा सा शेयर नाव करके यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे भी हिंदी है ना वहाँ वहाँ पे इसमें इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया रिप्लेस, ठीक है, और यहाँ से भी मैंने कर दिया रिप्लेस इसको, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी रिप्लेस किया। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह, ये बहुत अच्छी जो है ना बात है, आप लोग सीखेंगे और फ़ायदा हासिल करेंगे, जैसे हम लोग कमा रहे हैं आप भी कमाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चेंजिंग कर ली, जो जितनी भी चेंजिंग थी। अच्छा, यहाँ पे आपके एड्स आएंगे, जो भी एड्स वगैरह, वो एड्स आपको कहाँ से आएंगे, दो अकाउंट हैं, ठीक है, आपका एक अकाउंट है रेवेन्यू हिट्स पे, आपने जाके अकाउंट बना लेना एज ए पब्लिशर, ठीक है। आप देखें मैंने कल जो एड लगाया था, मैंने आपको डेमो भी दिखाया, उसमें इतने इंप्रेशन आ रहे, ठीक है। अब यहाँ पे उस एड का कोई भी कोड है, ठीक है, जैसे मैं कोड उठाता हूँ यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू वाले, ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू वाले का को मैंने कोड उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैं उसको लगा देता हूँ। यहाँ पे प्लेसमेंट पे गए, ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट वाले पे गए, और यहाँ पे कोड है, अब देखें यह वाला कोड, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे कॉपी, ठीक है। रेवेन्यू एड्स एक ज़बरदस्त वेबसाइट है जो कि आपको एड्स प्रोवाइड करती है, अब यहाँ से आपने कर दिया इसको कंट्रोल वी, आपने एक ऐड लगा लिया, ठीक है। अब दूसरा ऐड कहाँ से लगाएंगे, दूसरा ऐड आप एडस्टेरा से लगाएं, एडस्टेरा एक ज़बरदस्त वेबसाइट है जो रेवेन्यू हिट से भी ज़्यादा पे करती है, लेकिन फ्री का प्लेटफॉर्म है, इसमें एज ए पब्लिशर अकाउंट बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वेबसाइट ऐड की हुई है क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट बनाया, आप भी बना लीजिए, मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, कल मैंने इसमें ऐड लगाया था, ये देखें, अब ये इसकी सीपीएम देखें ये वाला, और यहाँ पे रेवेन्यू भी आ चुका है, टोटल 0.1, ठीक है, रेवेन्यू आ चुका है दोनों एड्स का, ठीक है। और अब इसकी ज़बरदस्त बात ये है कि ये फ्री में मिल जाता है, ठीक है, इसमें एडसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में, और यहाँ पे वेबसाइट में चलता हूँ, और इसमें कोड्स वगैरह, वेबसाइट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल वाला वो वाला लिंक यहाँ पे ऐड न्यू वेबसाइट करके, जैसे मैंने ये ब्लॉग स्पॉट का लिंक डाला है आप भी डाल सकते हैं, इसमें आल कोड्स लिखा हुआ है, ठीक है, आल कोड में यहाँ पे गेट कोड, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नेटिव बैनर वाला गेट कोड आ जाए, ठीक है। अब नेटवर्क ये देखें, ये नेटिव बैनर वाला कोड आ चुका है और कह रहा है कि कॉपीड हो चुका है, हमने कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आने के बाद यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट है और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमने ये वाला कोड भी डाल दिया, अब कोड भी डाल दिया, सब कुछ हो गया, अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है सेव। सेव करने से पहले आपने ये गूगल एनालिटिक्स वाला अकाउंट जरूर बनाया। अब देखें मेरे पास 71 यूजर्स जो गुजर चुके हैं, ये देखें 71 यूजर्स यूजर्स विजिट कर चुके हैं अभी तक, कोई भी ये नहीं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखें मैं इसको रिलोड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक यूजर आ जाएगा, देखना अभी यहाँ पे देखें ये वाला 7 मिनट अगो मैंने अभी यूजर मैंने इसको चेक किया है, ठीक है। अब देखें रिलोड करते हैं और रिलोड करके आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर। अच्छा यहाँ से आपने कोड कैसे करना है, कोड यहाँ से आपने जाना है एडमिन में, ठीक है। और एडमिन में जाने के बाद यहाँ से आपने जाना है ट्रैकिंग इन्फो में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैकिंग कोड, और ये कोड जो है आपने यहाँ से कॉपी करना है। जैसे लोड होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला कोड है, ठीक है। ये वाला कोड आपने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव, ठीक है। ये हो जाएगा अपडेट, ये हो गया सक्सेसफुल, यहाँ तक काम खत्म। आपने यहाँ से इसको व्यू ब्लॉक करना है, ओपन लिंक न्यू टैब, ठीक है। अब देखना है ये वाला ब्लॉक कैसे चेंज हो जाएगा, ये देखें ज़बरदस्त। अब यहाँ पे ये वाला टैक्स ये आप भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैंने टैक्स, अब कंट्री वगैरह है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देखें कौन सा कंट्री, आप देखें जहाँ जहाँ पे मैंने चेंजिंग की है वहाँ वहाँ पे चेंजिंग आ चुकी है, और मेरे एड्स भी अपेयर हो चुके हैं, ये देखें एड्स भी आ चुके हैं, ये देखें ज़बरदस्त एड आ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और एनालिटिक्स में अभी आपको दिखा देता हूँ, होम पे जाके और रियल टाइम एनालिटिक्स दिखा देता हूँ कि अभी मैं वेबसाइट खोल के बैठा हूँ और कितने यूज़र्स हैं, ठीक है। एक्टिव यूज़र देखे, दे ये टू यूज़र्स, दो यूज़र्स, क्योंकि एक इस पे आ गया एक इस पे आ गया, दोनों पे एक्टिव यूज़र्स हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये आपको स्टेटिक्स बताता रहेगा, ये फ्री में है, आप अर्निंग कर सकते हैं लातादा। और इस जो वीडियो की जो मैं लिंक वगैरह है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ब्लॉग की लिंक भी दे दूंगा, और जो मेरे पास ये कोड वगैरह है इसकी लिंक जो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। नई मसला समझ में आ रहा उसके बारे में मुझे बताएं, मैं नई वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा। तो तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।